हिंदी में दे टूल बॉक्स। अच्छा टूल बॉक्स में क्या क्या होता है? टूल बॉक्स में तो होते रंग भी होते हैं, जो हम ड्राइंग में रंग भरते हैं रंग भी होते हैं, और कुछ आकृतियां होती है वो भी होता है, पेंसिल होती है, और सब चीजें होती हैं जिससे हम ड्राइंग कर सकते हैं या रंग भर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। टाइम बोलना है कि ये कंप्यूटर पर दिया वीडियो की टाइमिंग 2 मिनट 11 सेकंड। सर आप बताओ ये तो सर एमएस पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं? एमएस पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं? एमएस पेंट की फाइल को किमें खोल दें? तरीका बताया गया था ना स्टार्टिंग में, पेंट की फाइल को कैसे ओपन करते हैं, आपको बिल्कुल तरीका बता रहे हैं। चार दिन हो गए हैं ट्रेनिंग की, बताओ। जैक्स बटन पर क्लिक करते हैं। कौन से बटन पे? इसको स्टार्ट बटन बताया गया था ना, चार बटन, चार बटन या विंडो बटन। फिर और कुछ आप विजन देने आ रहे हो? नहीं मैं तो पूरा या पढ़ लिया कुछ कर रहा जी तुसी बताओ। पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। हाँ जी। उसके बाद में फिर ऑल प्रोग्राम। यस। ऑल प्रोग्राम में जो एसोसिएट ठीक है सर। और कुछ एक और भी कोई तरीका ओपन करने का? आपको कितने तरीके बताए गए? सर और तरीका बताओ। कितने तरीके बताए गए थे आप लोगों को? दो बताए गए थे। सब एक और है कि हम कमांड से कर सकते हैं शॉर्टकट। आपको कुछ नहीं करना है, विंडो विंडो बटन होती है जो कीबोर्ड पे, उसको आर के साथ प्रेस करना है, दबाना है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको टाइप करना है एमएस पेंट, उसके बाद आपको एंटर दबाना है, तो उससे क्या होगा आपका पेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है लेकिन अब यहाँ आगे जाने लोगे? अब यहाँ पे आ जाओ। तो आप सर मैं रोक के लूँगा। रोक के सर ठीक है। अरे यार नहीं खड़ा तो लेकर आई। हाँ दो एक साथ, एक साथ दो प्रैक्टिस हो, दो दिनों की हो जाएगी। कौन रह गया? अब आप आ जाइए। ठीक है आप इनको टाइम बताइए यहाँ पे रोकना है। क्या आप कहते हैं? मैं भी देखो कैसे क्लास आप दोनों, आप दोनों मिलकर क्लास ले रहे हो। ठीक है आपको शुरू से क्लास लेना है या जहाँ से चल रहे वहीं से शुरू से करते हैं? आप लोग कॉर्पोरेट करने को अच्छे से कोई बिल्कुल क्लास में अटेंटिव रहना है। ठीक है जिनसे क्वेश्चन हो जाए डायरेक्ट आंसर बताएंगे, एक दूसरे की हेल्प करनी है। नहीं नहीं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास ले रहा हूँ। हाँ जैसे क्लास लेते हैं वैसे क्लास ले रहे हैं यहाँ पे।
जीरो से यहाँ पे अगर नहीं हो रहा ना तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक करके फिर यहाँ से प्ले कर देना, अगर कहीं भी वीडियो एक बार यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे रिस्टार्ट हो, कोई बात नहीं, अब यहाँ से प्ले करो। मैं तो अलग से उम्मीद करता हूँ कि कंप्यूटर की कक्षा में आप सभी अब पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। टाइम बताओ सर, टाइम बताओगे मैं? हाँ जी, अभी ये आपको बताएंगे कहाँ पर रोकना है, आपको रोकना है, आपको रोकना है, ठीक है। पिछली कक्षा में आपने जो सीखा था क्या आपको वह याद है या नहीं? आइए पिछली कक्षा के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं पिछली कक्षा में आपने क्या क्या सीखा था? क्या आप बता सकते हो पिछली कक्षा में आपने क्या क्या सीखा? मैम किसे पूछ रहे हो? सर आप बताओ। पिछली कक्षा में जो पेंट ओपन करना, एमएस पेंट की फाइल ओपन करना, कंप्यूटर ऑन और ऑफ करना सीखा था, ये सारी चीजें आपने पिछली कक्षा में सीखी। आप बता सकते हैं कि पावर बटन से क्या होता है? पावर बटन से आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, टचपैड और माउस का उपयोग क्यों करते हैं? टचपैड और माउस का उपयोग क्यों करते हैं? कोई कंप्यूटर कोई कार्य करने के लिए, कोई जैसे टाइपिंग करनी है उसको इधर दूंगा। टाइपिंग करने के लिए नहीं, कीबोर्ड का उपयोग, माउस और टचपैड का उपयोग, कंप्यूटर खोलने के लिए कुछ सही बताएं हम कंप्यूटर खोलने के लिए, टाइपिंग करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं। नहीं सर कोई भी फाइल खोलने के लिए माउस का उपयोग हम। एक और चीज देखो, अगर मान लो ठीक है, आप जैसे यहाँ से जाके ठीक है आप क्लास ले रहे हो, आपको अगर आंसर पता नहीं होता कि इसका आंसर मुझे क्या देना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि आप उसका आंसर दो, आंसर करो, तो आप ऐसे बोल सकते हो चलो आइए वीडियो को देखते हैं कि वीडियो के अंदर इसके अंदर क्या दिया हुआ है, क्योंकि आपको वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं ना जी, तो वहां पर आपको फंबल होने के या फिर घबराने की जरूरत नहीं है कि मान लो किसी ने कोई गलत क्वेश्चन बोल दिया कि सर इसका क्या आंसर होगा। मान लो आपने तीन चार बच्चों से उठा के क्वेश्चन पूछा, सबने गलत आंसर किया, अगर मान लो क्वेश्चन आपको भी नहीं पता, उसका आंसर आपको भी नहीं पता, तो आपको उसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे वीडियो को प्ले करोगे, बोलो आइए आगे वीडियो को देखते हैं कि इसके अंदर क्या इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से अथवा माउस का उपयोग पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए करते हैं, लेकिन माउस डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए उपयोग करते हैं और टचपैड लैपटॉप अथवा नोटबुक के साथ उपयोग करते हैं। टचपैड अथवा माउस में कितने बटन होते हैं? माउस में हमारे तीन बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर में होता है स्क्रॉल बार, और टचपैड में दो ही होते हैं लेफ्ट एंड राइट। टचपैड में दो बटन होते हैं लेकिन माउस में तीन बटन होते हैं, लाइन टूल का उपयोग क्यों करते हैं? सर आप बताओ लाइन टूल का उपयोग। लाइन ड्रॉ करने के लिए किसी भी शेप की पतली मोटी कोई। जब आपको कोई लाइन खींचनी हो तो आप लाइन टूल का उपयोग करते हैं, इरेजर टूल का उपयोग क्यों करते हैं? सर आप बताओ इरेजर टूल का उपयोग क्यों करते हैं? इरेजर टूल का उपयोग कार्य करते हुए अगर कहीं हमारा कुछ गलत बन गया है उसे मिटाने के लिए इरेजर का प्रयोग करते हैं। इरेजर टूल का उपयोग आप कुछ मिटाने के लिए करते हैं, क्या आप बता सकते हैं टास्क बार क्या होता है? सर आप बताइए टास्क बार क्या होता है? टास्क बार ये
ये जो नीचे वाला बार होता है ना टास्कबार जिसके अंदर जैसे हम ऊपर से मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज वाला है ना तो अगर हम मिनिमाइज करें तो फाइल हाइड हो जाती है तो नीचे वाला जिसमें ये हाइड होगी जिसमें इसका आइकन बना होता है वो टास्कबार कहलाता है कौन सा ये वाला नहीं इसके नीचे हां इसमें हाइड हो जाती है एक बार मिनिमाइज करके दिखाइए तो ऐसे आपने तो क्लास में भी हुआ है कि स्केल की तरह होता है और यहां आपको फाइल और फोल्डर को बताता है जिन पर आप काम कर रहे हैं अथवा जिन्हें आपने हाइड करके रखा है एमएस पेंट क्या है और इसका उपयोग क्यों करते हैं सर आप बताइए एमएस पेंट क्या है और इसका उपयोग क्यों करते हैं एमएस पेंट नहीं क्वेश्चन क्या होता है एमएस पेंट क्यों उपयोग करते हैं चेंज कर दिया था एमएस पेंट में अपन ड्राइंग बनाते हैं जिसमें कई टूल्स होते हैं उनके द्वारा ड्राइंग बनाई जाती है कलर है तो कलर बन जाता है लाइन साइज हो जाती है एमएस पेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप ड्राइंग करते हैं टूल बॉक्स क्या होता है क्वेश्चन पेंट के अंदर टूल बॉक्स को क्या होता है कोई नहीं तो पेंट में टूल बॉक्स का काम करता है कि उसमें हमारे कलर्स होते हैं शेड्स होते हैं और पेंसिल होते हैं हमारे इसमें और कट कॉपी का हमारे पास ऑप्शन होता है टूल बॉक्स पेंट का महत्वपूर्ण बॉक्स होता है जिसमें ड्राइंग करने के सभी टूल उपलब्ध रहते हैं एमएस पेंट की फाइल को आप कितने तरीके से